एकदम एकदम मैं बता रहा हूँ। विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 130 साल में 1890 में सीएस सर्वे शुरू हुआ था और 100 साल बाद फिर 1990 में आरएस सर्वे रिविजनल सर्वे शुरू हुआ। विपक्ष के कुबत की बात नहीं थी कि वो 130 साल में बिहार के जमीन का सर्वे करा लिया और उन्हीं लोगों का पाप है जो कि आज पूरे बिहार में जमीन विवाद में 60% केस थाना में जमीन विवाद का होता है और करीब 30-35% केस कोर्ट में जो है जमीन विवाद का होता है। तो इतने आज़ादी से लेके आज तक और आज़ादी के पहले तो आज़ादी से लेके आज तक जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर थी जिस कारण से उन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं कराया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति की गई और ये स्ट्रांग विल पावर है सरकार का, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो काम 130 साल में नहीं हुआ वो काम सरकार करवाने जा रही है। और लोग अगर विपक्ष के बोलते हैं कि आपस में इसमें विवाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष का सिर्फ आपस का विवाद जो है, विपक्ष का एक अपना सपना है, सोचना है, लेकिन सर्वे एक बार हो गया, सारा मामला डिजिटल हो गया तो उसके बाद बिहार के लोगों को जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। नहीं, किस चीज़ का लूट को मौका, जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है। आज़ादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए जिसमें करीब करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए बताते हैं आपको, चंपय सोरेन जी को कोल्हन का टाइगर भी कहा जाता है। चंपय सोरेन जी स्थापित नेता हैं वहाँ पर, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उस भ्रष्टाचारी को जातिगत भावना फैला करके अपनी राजनीति की दुकानदारी चला रहे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये राजनीतिक दुकानदारी चल रहा है भ्रष्टाचारियों का इस देश में सिर्फ जाति के नाम पर। चंपय सोरेन जाने से फायदा होगा बीजेपी? चंपय सोरेन जी का बीजेपी में जितना फायदा, हम फायदा के लिए उनको नहीं ला रहे हैं, हम तो चंपय सोरेन जी को सम्मान, उनका जो है कोल्हन टाइगर का सम्मान बचा रहे उसके लिए हम ला रहे हैं। आरजेडी के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? अब भ्रष्टाचारी लोगों की बात हम क्या करेंगे, हम तो भाई अपना पार्टी की बात कर सकते हैं। हमने तो कहा था कि जो पुल मंत्री थे वो मंदिर में चल के कसम खा, आप लोग तो वह कसम खिलवाते नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलिए कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप तो बता रहे हो, आपका एक बार ले चलिए ना मंदिर भाई, हम आप इतना आसान शर्त हमने रखा है कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। हम तो राजस्व मंत्री अभी हैं, हमारे पहले आलोक मेहता जी थे, आलोक मेहता जी के फाइल को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था, राजस्व विभाग में भी दुकानदारी चला था। तो मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक साथ मेरे साथ चलें मंदिर में, कसम खा लें खाली कि हम राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचारी नहीं है। राजेश खन्ना का एक फिल्म था, मैंने बचपन में देखा था, कुछ लोग किसी महिला को बदचलन कह के पत्थर मार रहे थे, तो एक गाना आपने सुना होगा, इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे, पापी कौन नहीं है उसकी तलाश कीजिए थोड़ा सा, तब जाकर के किसी पर आरोप लगाना चाहिए। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं, नैतिक पतन इनका है, इनको कुछ बोलने का हक नहीं है, शर्म आना चाहिए इनको, क्योंकि चारा से लेके और क्या क्या बाद में किए हैं तो बाद में अभी पता चलेगा, एक दो महीना में सबको पता चल जाएगा। अब छोड़िए, अभी अभी कहा ला, फिर आप एक महीना तक उसी को फिर खींचना शुरू कर दीजिएगा। बहुत बड़ा घोटाला का मामला सामने एक दो महीना में आपको आ रहा है। इन लोगों ने जो धंधा किया है वो छोरे, किसी को छोरा नहीं जाएगा। धन्यवाद। परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे, हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को
अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो दिन एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहाँ हैं और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानेंगे। बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे। तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है। और एक साल में तीन बार, तीन तीन महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ होगा, तीसरा आपत्ति एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के यहाँ होगा। और तीन आपत्ति के बाद भी अगर किन्हीं का मामला लग रहा है कि तीन जगह आपत्ति किया हमने, तीनों जगह हमको न्याय नहीं मिला, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस पर एक स्पेशल टीम गठित करें और जो कि इसका स्पेशल हियरिंग करके उस मामला को सॉल्व करें, जिससे कि उनको कोर्ट में या कहीं और जगह नहीं जाना पड़े। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सर्वे कुछ नेताओं को मिला रही है और आने वाले समय बीजेपी के नेता भी उनके संपर्क में। ये देखिए, राजनीति करने का सबको हक है, इसीलिए जो है राजनीति करना तो कोई गुनाह नहीं है, राजनीति करने दीजिए सबको। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर कहा है कि वो देश में कितना दिन से उलट रहे हैं जातीय जनगणना, जब तक वो उनके पिताजी से पिताजी दादाजी सब लोग थे उस समय कहाँ थे वो, आज उनको जातीय जनगणना का याद आ गया। नेहरू जी के शासन से लेके उस समय भी तो लालू जी के शासन और राजीव गांधी के शासन में भी तो करवाना चाहिए था ना जातीय जनगणना, आज उनको जातीय जनगणना का ख्याल आ गया इसलिए कि उनका वजूद समाप्त होता जा रहा है। तो देश को वो चाहते हैं कि जात में बांट करके किसी तरह फिर से जिंदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक एक जाति का विकास चाहती है और एक एक जाति को अधिकार देना चाहती है। जदयू ने कहा था कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया जाति की जनगणना पर सहमति नहीं बनी। हम तो बोल रहे हैं कि भाई पिछले 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हम पहले उसका जवाब ले आइए 75 साल का, हम दे देंगे जवाब सारा चीज का। अध्यक्ष जी, झारखंड में क्या हो रहा है?